आज मैं मावा की रेसिपी लेकर आई हूँ जो बहुत ही जल्दी रेडी होने वाला है। 2 से 3 मिनट में आपका मावा रेडी हो जाएगा। जब भी गुजिया बनाइए तो मावा बनाने में बहुत टाइम लगता है, इसीलिए मैं बहुत ही इंस्टेंट रेसिपी लेकर आई हूँ। चलिए देखते हैं कैसे। और ये मैंने शुगर लिया है, ये शुगर पाउडर मेरे पास था वो मैं यूज़ कर रही हूँ। ये कोकोनट है, ये मैं किशमिश ले रही हूँ, ये सूजी लिया है मैंने, 2 टेबल स्पून सूजी है, और ये मैंने तिल लिया है 2 टेबल स्पून वो लिया है मैंने, और ये पानी है, पानी की ज़रूरत पड़ेगी वो लिया है मैंने, और ये मिल्क लिया है मैंने, मिल्क की ज़रूरत पड़ेगी इसमें। चलिए फिर आगे का प्रोसेस मैं स्टार्ट करती हूँ। ये मैंने पैन रख दिया है, पहले मैं मावा बनाऊंगी। और ये पैन मेरा गर्म हो गया है, मैं इसमें 1 टेबल स्पून घी डाल रही हूँ। घी अच्छे से गर्म हो जाएगा तभी मैं आगे और चीज़ें डालूंगी। अब मैंने तिल डाला है, घी मेरी गर्म हो गई है, तिल को अच्छे से भूनना है। और ये किशमिश डाला मैंने, इन दोनों को अच्छे से रोस्ट कर लूंगी मैं। तिल को अच्छे से रोस्ट करेंगे बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। आप देखेंगे कितना इंस्टेंट मावा मैं रेडी करूंगी और बहुत ही टेस्टी बनती है इसकी स्टफिंग भी। ये सूजी डाला मैंने, ये सूजी रोस्टेड रखी हुई थी मेरे पास, वो मैं डाल रही हूँ। अगर रोस्टेड नहीं होती तो मैं तिल के साथ में इसको रोस्ट करती। इसको ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है, बस हल्का सा घी में मेरा ये सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाए। देखिए हो गया है। अब मैं ये कोकोनट डालूंगी, ये जो ब्लैक ब्लैक आपको दिख रहा है ये मैंने हरी इलायची कूटी थी वो डाल रही हूँ मैं साथ में, और इसको अच्छे से मिक्स करना है। इसको ज़्यादा रोस्ट नहीं करना, बस 2-3 मिनट रोस्ट करना है, हल्का सा ब्राउन सा हो जाए और अच्छे से सारी चीज़ों में मिक्स हो जाए, बस इतना करना है हमें। देखिए हो गया है मेरा, आप देख सकते हैं कलर इसका चेंज हो गया है। अब मैं इसमें मिलाऊंगी मिल्क, मैं ये 1 कप मिल्क मिला रही हूँ, और इसको अच्छे से चलाना है। देखिए अभी कितनी जल्दी ये गाढ़ा हो जाएगा मिल्क भी हमारा, बिल्कुल भी आपको कुक करने की ज़रूरत नहीं है। ये हल्का सा हल्दी मिला रही हूँ, आप देख सकते हैं ये गाढ़ा हो गया मेरा, ड्राई सा हो गया है। इसको अच्छे से मिक्स कर लिया मैंने। अब मैं इसमें शुगर मिलाऊंगी, मैं ब्राउन शुगर यूज़ कर रही हूँ 2-3 टेबल स्पून, और ये वाइट शुगर भी मैंने डाला है। स्वीट अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, ज़्यादा या कम जितना करना है आपको, और ये अच्छे से मिक्स कर लेना है। देखिए कितना अच्छा सा मावा मेरा रेडी हो गया है, नहीं लगेगा इसमें आपको। और इधर मेरी स्टफिंग भी बिल्कुल ठंडी हो गई है, और इसको मैं एक बाउल में निकाल लेती हूँ। ये बहुत ही हेल्दी स्टफिंग है और बहुत टेस्टी भी है। इसमें जितने इंग्रेडिएंट हैं आपने देखे काफ़ी हेल्दी है, और अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हैं बहुत ही अच्छा है ये आपके लिए।